हेलो, या एम आई ऑडिबल? यस, दिस इज गोइंग टू बी एन यू नो इन्फॉर्मेटिव सेशन। से तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम एक्सी गेट स्कोर के थ्रू आईआईटी बी में और आईआईटी एम में, आईआईटी बी एंड आईआईटी एम, इसमें कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारे आईआईटीज का भी डेटा है मेरे पास, मैंने लिखा हुआ है कॉपी में सारा, और मेरे पास ये हमेशा यूज में आता है। ठीक है, इस साल के जो कट ऑफ्स गए हैं, इस साल अभी अभी मुझे आज सीओएपी का एडिशनल राउंड 4 आया है, 4 या 5। तो आईआईटी दिल्ली का डिज़ाइन, आईआईटी दिल्ली का मैकेनिकल डिज़ाइन, दैट इज़ वन ऑफ द टॉप ब्रांचेस। ठीक है, वो 809 गेट स्कोर पे मिला है, जनरल कैटेगरी में 809 पे गया है, लेकिन एडिशनल राउंड में गया है। इफ योर गेट स्कोर इज अराउंड 820 830, तो लास्ट के राउंड में तुम्हें आईआईटी दिल्ली का डिजाइन भी मिल जाएगा। और 820 830 गेट स्कोर लाने के लिए तुम्हारा रैंक कितना होना चाहिए? 400 के अराउंड, समझ रहे हो? तो कोई भी क्वेरी होगी यू कैन आस्क कोई भी, एंड लेट्स बिगिन दिस सेशन। ठीक है, हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? So, if you are meeting for the first time, I have done my M.Tech from IIT B, 2016 graduate. I have done my B.Tech from NIT Jalandhar, 2014. और मैंने कॉलेज के साथ ही गेट निकाला था पहली बार में, बहुत एक्टिक था, बट आई मीन आई मैनेज्ड इट। MBA मैंने स्टार्ट किया था गेट के थ्रू, 2018 में दोबारा दिया था। या गुड इवनिंग, हाय, गुड इवनिंग, लेकिन आई ड्रॉप्ड आउट टू गेट बैक इन टू टीचिंग। ओके, आई टेक बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन आज हुआ था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। सुबह क्लास थी, दोपहर को क्लास थी, एक्चुअली 1 से 3 देख सकते हो। और हीट ट्रांसफर तो अपना चल ही रहा है 9:30 पे, 9:30 PM मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। और इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं स्पेशल क्लासेस में, आज भी स्पेशल क्लास हुई थी 6 बजे, 6 PM पे हुई थी क्लास। ओके, एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर अंडर माई गाइडेंस, तो यू कैन यूज दिस कोड VIRIAS10। और जो मैंने स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, हर एक की स्ट्रैटेजी आई नो अलग होती है, बट मेरा ये मानना है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ट्राई करके ये पता लगा सकते हैं कि तुम्हारे पे कौन सी स्ट्रैटेजी बैठ रही है। तो आई विल मेक श्योर कि डेफिनेटली इस बार तुम्हारा अच्छा रैंक आए। ऑब्वियसली गाइड मैं करूँगा, पर मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, बट गाइड मैं टोटली कर दूंगा। प्लस के फायदे ये हैं कि लाइव क्लासेस तो रहती हैं, स्ट्रक्चर्ड बैचेस बनते हैं वहाँ पे, क्रैश कोर्सेज भी एक्सेस तुम्हें रहेगा इनका भी। वीकली टेस्ट विल बी देयर, डाउट सॉल्विंग सेशन, एवरी फोर्थ क्लास इज अ डाउट सॉल्विंग सेशन। ओके, इंग्लिश एंड हिंदी में बैचेस होते हैं, एंड RIB बैचेस भी रहते हैं, जिनका एक्सेस तुम्हें प्लस में ही मिलेगा। तो लाइव क्लासेस करो और ढेर सारे क्वेश्चन RIB में प्रैक्टिस करो, प्लस ऑब्वियसली आई विल डेफिनेटली गाइड यू। आइकॉनिक में यूल गेट पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर विल बी देयर, स्टडी मटीरियल यूल गेट, स्टडी मटीरियल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एज आई ऑलवेज से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन स्टडी मटेरियल, देन टेस्ट सीरीज, ऐसे हमारा प्रोसेस होना चाहिए। स्टडी बूस्टर सेशन विल बी देयर, एंड यू विल गेट पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस, कौन से तुम्हारे वीक एरियाज है, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज, दैट आई विल टेक केयर ऑफ। हाय संगम, आई एम फाइन, हाउ आर यू संगम? ओके, प्राइस हाइक हो चुका है, अपकमिंग नहीं है, हो चुका है। नई स्लाइड हमें मिल जाएगी 1-2 दिन में, तो वो लगा दूंगा मैं। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन इज नाउ फॉर 32,000 रुपीज़, 18 मंथ्स का इट्स अराउंड 42,000 अप्रॉक्सीमेटली, एंड 24 मंथ्स का इट्स अराउंड 47,000। बट इस पे VIRIAS10 कोड लगाओ, 10% ऑफ पाओ, प्लस मेरी गाइडेंस भी पाओ। राइम राइम बन गई है अनइंटेंशनली। ओके, आइकॉनिक के प्राइजेज हैं फॉर 1 ईयर, इट्स अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 45,000 आफ्टर अप्लाइंग माई कोड, एंड फॉर 24 मंथ्स इट्स अराउंड 67,000। ओके, और जो भी मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल तुम सर्च करना विरेश अन अकेडमी के नाम से, विरेश अन अकेडमी। इसमें मैंने लेक्चर 3 तक के नोट्स डाले हैं, उसी में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं। ओके, तो कोई भी अगर जनरल क्वायरी हो या समझ ना आ रहा हो कुछ, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट, नो वरीज। ओके, सो कि कैसे गेट के लिए प्रोसीड करना है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट, विरेश अन अकेडमी सर्च करो, ये रहा लिंक। ओके, एक्सलरेट बैच में हम लोग एक और नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 28 जुलाई को, एंड फॉर यू नो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज दिस कोड अगेन VIRIAS10। सो एक्सेलरेट में वील बी स्टार्टिंग विद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स,
मारुति तिवारी सर स्टार्ट करेंगे, एंड आरोहन बैच में विल बी स्टार्टिंग विद टॉम, आदित्य गुप्ता सर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, मैकेनिकल टीम, दिस इज आर एमई टीम जो इनिशिएटिव्स लेके आती है इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एंड कंचन, 1 घंटे का ही था, यू कैन जस्ट गो टू माई प्रोफाइल ऑन अन अकेडमी एंड यू कैन वॉच द सेशन। 1 घंटे का ही था, 6 PM to 7 PM, एक्चुअली थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था 7-10 का, बट एक ही सेशन था आज। मैंने डाला था टेलीग्राम चैनल पे, अपने डाल दिया था, जैसे स्पेशल क्लास में शेड्यूल करता हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ अपने, इसीलिए विदेश अन अकेडमी, इसको सर्च करो, इसको इस पर बटन दबा दो, ठीक है? मतलब बटन क्या, सब्सक्राइब हो जाओ, तो इस पर इंफॉर्मेशन आती रहेगी सारे लेक्चर्स एंड। या ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, ठीक है? जो भी क्वेरीज आएगी, थोड़ा इंटरेक्टिव रखना सेशन को, जो भी क्वेरीज, कितने मार्क्स लाने हैं, कितने स्कोर पे ये मिलेगा, इसके प्लेसमेंट्स कैसे हैं, जितना मुझे पता होगा मैं सारा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। मैं 2 सालों से करियर काउंसलिंग सेशंस ले रहा हूँ, उससे पहले भी मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट था। इनफैक्ट जब मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था गेट की, तो मैंने प्रिपरेशन IITs के लिए की थी, M.Tech के लिए, और उस टाइम भी जब मेरा फ्री टाइम होता था तो मैं IITs के बारे में पढ़ता रहता था कि इसका ये कोर्स कैसा है, इसका ये कोर्स कैसा है एंड ऑल, ठीक है? तो वहाँ से मेरे को था कि कैसा किया जाए, और मेरे टाइम पे मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो मैं ये नहीं चाहता कि आगे भी तुम्हें गाइड करने वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ऐसा करते हैं। जैसे अब किसी ने क्या किया था, अभी इस बार का भी केस आया, उसने क्या किया, थर्मल ऊपर भर दिया डिज़ाइन से। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है, तुम्हें आगे PhD करनी है, इंटरेस्ट है थर्मल की, करना ही करना है, तो ये करना चाहिए कि थर्मल को डिज़ाइन से ऊपर भरो। लेकिन अगर सिर्फ प्लेसमेंट्स टारगेट कर रहे हो तो कभी ये मत करना, हमेशा डिज़ाइन ऊपर रखना है, क्योंकि डिज़ाइन के प्लेसमेंट्स हमेशा बेटर रहते हैं थर्मल से, हमेशा। तो किसी ने क्या किया कि थर्मल ऊपर भर दिया, डिज़ाइन नीचे भर दिया, उसे डिज़ाइन मिल गया, IIT B में डिज़ाइन मिल गया, ठीक है? लेकिन थर्मल ऊपर था, अपग्रेड हो गया थर्मल हो गया। तो अब ऑब्वियसली इंटरेस्ट है, ठीक है, आगे PhD करनी है, इंटरेस्ट है कि पढ़ना ही पढ़ना है, तो डेफिनेटली थर्मल, इंटरेस्ट तो हमेशा अपना देखना ही चाहिए। बट अगर तुम कह रहे हो कि कुछ भी चलेगा और प्लेसमेंट देखने हैं, डिज़ाइन ऊपर भरना चाहिए। गेट स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, देखो गेट मार्क्स होते हैं 100 में से, ठीक है, 100 में से, और गेट स्कोर होता है 1000 में से, दोनों में डिफरेंस होता है, गेट स्कोर होता है 1000 में से। तो जितने तुम्हारे मार्क्स है, सपोज 80 मार्क्स है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, वो ब्रोशर में पढ़ सकते हो, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है। इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लगाते हैं, नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं क्योंकि यार अपने मैकेनिकल के 2 सेशंस होते हैं, ठीक है? तो पहले क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे इस मार्क्स में, मार्क्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे, फिर फॉर्मूले में डालेंगे, वहां से गेट स्कोर आ जाएगा, करेक्ट? तो गेट मार्क्स और स्कोर, लंबा सा फॉर्मूला यार, याद करके क्या करना है, मतलब हम गेट में थोड़ी पूछेंगे, ओके? कुछ भी डाउट आए पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ क्लियर करो, जितना मुझे पता होगा मैं सब बता। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं IIT बॉम्बे से, ठीक है? IIT बॉम्बे से मौका मिले, मन हो तो यहाँ जरूर जाना, मजेदार जगह है, मतलब अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग। आई स्टिल चेरिश दोज 2 ईयर्स, 2014 से 16 में यहाँ था, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई हैव एवर मेड। आई वोंट से वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस, आई वुड से आई थिंक इट इज़ द बेस्ट डिसीजन टिल नाउ दैट आई हैव एवर मेड, कि मैं PSU नहीं गया और IIT बॉम्बे गया। बट अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि PSU नहीं जाना है या ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस था कि मुझे IIT B से M.Tech करना था, और लकीली बाय गॉड्स ग्रेस मुझे IIT बॉम्बे मिला, ठीक है? मुझे IIT मद्रास मिला हुआ था इससे पहले, बट देन आई गॉट IIT। और पर्सनल प्रेफरेंसेस रहते हैं, प्रेफरेंसेस, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है किसी को PSU में जाना है, उसका ड्रीम है PSU में जाओ, जो भी तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम्हें मोटिवेशन देता है, वो पकड़ के रखो एंड देन प्रिपेयर फॉर गेट। मेरा था स्टील टेक्नोलॉजी। IIT बॉम्बे में क्या होता था, उस टाइम इंटरव्यू और रिटन टेस्ट होते थे, तो मेरे NIT में ना, उस टाइम NIT में मेरे फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, तो मेरे सारे इंटरव्यू रिटन टेस्ट छूट गए थे, सिर्फ सिर्फ MEMS डिपार्टमेंट का रिटन टेस्ट और इंटरव्यू बचा था, तो ये मैंने दिया, निकल गया, मैं चला गया। मैंने IIT मद्रास का मैकेनिकल छोड़ा था और IIT B मेटलर्जी, बट ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ये अपने ऊपर होता है, अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। मेरा कुछ और प्लान था, मुझे मेरी M.Tech से कुछ और चाहिए था, ठीक है? आई वॉज नॉट
ओनली टारगेटिंग प्लेसमेंट्स, मेरा सिर्फ प्लेसमेंट्स टारगेट नहीं था। ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि हमें प्लेसमेंट चाहिए एंड दैट्स इट, ठीक, और होना भी चाहिए, बट मेरा कुछ और फंडा था, और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। ये अपना अपने आप को जानो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि मुझे चाहिए क्या यार, करना क्या है, ठीक है। बट फिर वो डिसीजन को कभी, जो तुमने डिसीजन लिया उसको सही प्रूव करने की कोशिश करना। सर तो गेट मार्क्स अगर 80 रहे तो एवरेज में गेट स्कोर एंड रैंक कितना होगा? देखो देखो 80 अगर मार्क्स है ना तुम्हारे, तो यू विल गेट अ रैंक ऑफ अराउंड 200-300, ठीक है, और तुम्हारा गेट स्कोर हो जाएगा 830-840 के। ये मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सी में इस बार क्या हुआ है, एक्सी में 75 मार्क्स पे रैंक आया है 40, और गेट स्कोर था 840 75 मार्क्स पे। जनरली बता रहा हूँ, एमई में 80 पे अराउंड 200-300 रैंक होता है, ठीक है, 80 पे 200-300 रैंक होता है। IITM स्पेशल क्यों है? NIRF RL, आई डोंट फॉलो NIRF रैंकिंग्स। उसमें तो VIT को छोड़ो, मैं नहीं बोलूंगा, VIT को 9th-10th रैंक दिया, और मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, आई डोंट फॉलो NIRF रैंकिंग्स, आई फॉलो QS रैंकिंग्स, ठीक है। ये तुम्हारी तुम्हारी इच्छा, मेरा मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, दीज आर माई पर्सनल व्यूज, आई फॉलो दीज। ओके, तो मैं ये बोल रहा था IIT B+ एक्सी, या सॉरी, IIT B में मेरे पास डेटा मैंने लिख लिया है सारा, ओके, एक्सी प्लस BTech इन ME, BTech इन ME ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्सी गेट स्कोर और BTech इन ME, तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में तुम अप्लाई कर सकते हो? देखो अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूँ, प्रेफरेंस नहीं लिख रहा हूँ अभी, बायोमेडिकल, ठीक है। बायोमेडिक साथ साथ बताता जाता हूँ, जो मेरे पास प्लेसमेंट स्टैट्स आए थे पिछले साल के, जो मैंने इस बार करियर काउंसलिंग सेशंस में स्टूडेंट्स को बताए हैं, वही तुम्हें बता रहा हूँ। बायोमेडिकल के प्लेसमेंट्स थे 14 प्लेस हुए थे 19 में से, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 74% प्लेसमेंट। बायोमेडिकल का भी 74% प्लेसमेंट वहाँ पे है, लेकिन जब मैं ये प्लेसमेंट बता रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि बायोमेडिकल में सारे कोर में प्लेस हुए थे। एमटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉन कोर में जाते हैं, और वहाँ नॉन कोर का पैकेजेस पैकेजेस, यार मैं अलग अलग ब्रांच का नहीं बता रहा, बट देखो मान के चलो, मैं ये बताता हूँ कि अगर तुम कोर में जाते हो ना, तो एनीथिंग यू कैन गेट एनीथिंग बिटवीन 8 to 10। अब वहाँ पे पता क्या होता है, वहाँ पे ग्रॉस पैकेजेस चलते हैं, ग्रॉस, बाकी IITs में CTC चलता है। अब CTC में क्या होता है, ज्वाइनिंग बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, वेरिएबल पे, सब ऐड किया होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस चलता है, मतलब ये ग्रॉस, मतलब 8 to 10 ग्रॉस है। इसके ऊपर जो तुम्हें ज्वाइनिंग बोनस है वो अलग से लिखा होता है पोर्टल पे, अगर अकोमोडेशन दे रही है अलग से लिखा होता है पोर्टल पे, मतलब इसमें से TDS टैक्स कटेगा, बाकी इनहैंड आएगा। तो सीट मतलब CTCs कभी कभी थोड़े इन्फ्लेटेड होते हैं, पता है हमें, उसमें ज्वाइनिंग बोनस डाल रखा है, अलाउंस डाल रखा है, परफॉर्मेंस बोनस डाल रखा है, बट यहाँ IIT B में ना ग्रॉस चलता है, एवरीथिंग इज रिटन क्लियरली पोर्टल पे, तो ये एक थोड़ा सा बेनिफिट रहता है, ठीक है। और मैं प्लेसमेंट टीम में था ही, तो काफ़ी सारा काफ़ी कुछ चीज़ें पता लगी थी। तो ये मैं ज़रूर तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये सारे कोर में नहीं होते हैं, कोर प्लस नॉन कोर में होते हैं, और बहुत सारे नॉन कोर में होते हैं, और नॉन कोर में कौन सी प्रोफाइल में ज़्यादा होते हैं, एनालिटिक्स या फिर IT सॉफ्टवेयर, ये इनमें जाते हैं। कंसल्टिंग प्रोफाइल में ज़्यादातर BTECs प्रेफर किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि MTech नहीं जाते हैं, जाते हैं, तुम्हारे में स्किल है निकाल लो। कंसल्टिंग, फाइनेंस, थोड़ा BTECs ज़्यादा लेके जाते हैं, ठीक है, कोर में MTECs ज़्यादा जाते हैं, कुछ कोर कंपनीज बीटेक के लिए ओपन भी नहीं होती। ये मैं सिर्फ IIT बॉम्बे का सिनेरियो बता रहा हूँ, टॉप 5 IIT से नीचे जाते हैं, अगर IIT रुड़की गुवाहाटी में गए तो प्लेसमेंट्स और कम हो जाते हैं, मैकेनिकल वालों के लिए, सिर्फ मैकेनिकल वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल की बात नहीं कर रहा मैं, कंप्यूटर साइंस की बात नहीं कर रहा, कंप्यूटर साइंस तो 4 दिन में सब प्लेस हो जाते हैं यहाँ पे IIT B में, 4 दिन में ख़त्म सब। तो बायोमेडिकल, ठीक है, पहला अप्रॉक्सीमेटली 74% प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा, ऑर्डर नहीं है ये, नॉट इन ऑर्डर लिख देता हूँ, नॉट इन ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर ये नहीं है, जस्ट रैंडमली लिख रहा हूँ। ओशन इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग एक सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ब्रांच है, इसके प्लेसमेंट स्टैट्स ऐसे अलग से पता नहीं लगे हैं, बट सिविल का जो प्लेसमेंट स्टैट है वो है 29 of 45, ये सिविल का स्टैट है,
सिविल वालों की हालत थोड़ी सी एमटेक में हमसे भी, मैकेनिकल वालों से भी खराब रहती है। कोर में, नॉन कोर में निकलना, निकल जाओ। ठीक है आगे चलो। एनर्जी, एनर्जी साइंस सुनिए ब्रांच, एनर्जी साइंस 20 प्लेस हुए थे आउट ऑफ 26, अप्रॉक्सीमेटली 76% प्लेसमेंट। ठीक है 77, 77 सुनिए ना ये ब्रांच। और किस में अप्लाई कर सकते, ये एक्ससी वाले अप्लाई कर सकते हैं इंडियन में। ठीक है एनवायरमेंट इंजीनियर, एनवायरमेंट इसमें कितने प्लेस हुए थे, 9 out of 12, 75%। ठीक है आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट, मेरी पहली प्रेफरेंस आईटीबी में, IEOR, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशंस रिसर्च। ज़्यादातर बच्चे इसमें एनालिटिक्स में जाते हैं। इसका कोर्स करिकुलम जाके देखोगे तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग उसकी तरफ जाता है, डेटा साइंस उसकी तरफ जाता है, और वो तो हॉट टॉपिक्स है। ठीक है ना, दीज आर हॉट सब्जेक्ट्स। तो IEOR प्लेस हुए थे 15 out of 16, ऑलमोस्ट सारे निकल गए थे 95%। अब ये जो मैं परसेंटेज बता रहा हूँ ना, इसमें एक और चीज़ भी ध्यान रखना, क्या होता है कि कुछ बच्चे प्लेसमेंट प्रोसेस में रजिस्टर कर लेते हैं बट बैठते नहीं है, तो उसके कारण भी उस डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट स्टैट थोड़ा सा डाउन आ जाता है। ठीक है तो IEOR में तो मैं यही मान के चल रहा हूँ, IEOR का प्लेसमेंट हमेशा मतलब सब निकल ही जाते हैं, लेकिन कुछ 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 स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि रजिस्टर कर लिया प्लेसमेंट्स के लिए बट बैठे नहीं, तो फिर वो अनप्लेस में गिने जाते हैं, तो क्या होता है डिपार्टमेंट का थोड़ा प्लेसमेंट स्टार्ट नीचे आ जाता है। नेक्स्ट, न्यू आईआईटी, न्यू आईआईटी के बारे में बताऊंगा बट वो तो बाद में आएंगे ना, अभी तो हम बॉम्बे और मद्रास की बात कर रहे हैं, फिर आगे चलेंगे डिफरेंट आईआईटी से। अच्छा एक्ससी वाले एमई ऑल सारी डिपार्ट सारी स्पेशलाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो, डिजाइन में भी कर सकते हो, थर्मल में भी कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में भी कर सकते हो। ये एक्ससी लिखने के फायदे हैं, ये देखो तुम एक्ससी वाले एमई डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हो, बीटेक तुम्हारा मैकेनिकल में ही, तुम्हें एक्ससी में पेपर देना है, तुम IEOR में भी अप्लाई कर सकते हो, एमई में भी अप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं, मेटलर्जी डिपार्टमेंट, मेटलर्जी डिपार्टमेंट MEMS होता है, MEMS। ठीक है इसमें इसमें चार स्पेशलाइजेशन है, MM1, MM2, MM3 और MM4। तुम MM3 में अप्लाई नहीं कर सकते, MM1, 2 और 4 में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है उसके बाद सितारा एक और डिपार्टमेंट, अच्छा इसका प्लेसमेंट मैंने लिखा नहीं, मैकेनिकल का प्लेसमेंट है 56 of 69, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 82%। मान के चलो इसमें से चार पांच क्या थोड़े ज़्यादा ही बच्चे PhD करने चले गए होंगे बाहर, बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ से PhD करने। मेरा फ्रेंड गया था ब्राउन यूनिवर्सिटी में, एक गया था पर्डी यूनिवर्सिटी में PhD करने, आराम से PhD मिलती है इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर रिसर्च। ओके सितारा, सितारा ये जो डिपार्टमेंट है ना, इसके प्लेसमेंट भी 10 on 11 है, अप्रॉक्सीमेटली 91% प्लेसमेंट। लेकिन अगर इस ब्रांच में जाओ, इसका स्कोर रिलेटिवली नीचे जाता है, काफ़ी नीचे जाता है, काफ़ी नीचे जाता है, लेकिन इसमें भी तभी जाना है जब तुमने पूरा मन बना लिया है कि मुझे एनालिटिक्स प्रोफाइल में जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए एनालिटिक्स में जाना ही है, मतलब मुझे वहां जाके पाइथन SQL सीखना ही सीखना है, कुछ भी हो जाए खुद से, वहां पे खुद कोर्सेज लेने पड़ते हैं, खुद जो भी करना है, खुद प्रोजेक्ट्स लो, इंटर्नशिप्स करो, जो भी हो खुद प्रोफाइल बनानी पड़ती है। अगर ये मन बना ही लिया कि हाँ मुझे एनालिटिक्स में जाना ही जाना है, फिर सितारा का ऑप्शन भी देखा जा सकता है, कंसिडरिंग कि तुम्हें इसके साथ क्या मिल रहा है। आगे चलते हैं, और किस में अप्लाई कर सकते हो, देख और एक और डिपार्टमेंट है ET, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है ये 2019 में स्टार्ट हुआ था, तो अभी 2021 में इसके प्लेसमेंट हुए होंगे और उसका स्टार्ट अभी अपने पास है नहीं। सितारा की फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी इन रूरल ऑल्टरनेटिव समथिंग करके, रूरल ऑल्टरनेटिव करके कुछ ऐसा है, रूरल ऑल्टरनेटिव्स करके कुछ ऐसा है सेंटर ऑफ, अभी अभी देख लूँ क्या, चलो बाद में देख लूँ, सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी -- समथिंग रूरल ऑल्टरनेटिव्स कुछ ऐसा करके है, एक बार IIT बॉम्बे की साइट पे जाके देख लेना। इसका गेट स्कोर लो जाता है, ठीक है मतलब जिसको मीडियोकर NIT में कोई ब्रांच मिल रही है उससे बेटर तुम सितारा ले लो और एनालिटिक्स के लिए प्रिपेयर कर लो, वहाँ जाके चांसेस है कि प्लेस हो ही जाओगे, क्योंकि NITs में मैकेनिकल के प्लेसमेंट्स है नहीं, त्रिची और सूरत कल को छोड़ के,
ये मैं कितनी बार बोल चुका हूँ तुम्हें, त्रिची सूरतकल को, सूरतकल का सीडीएस डिपार्टमेंट छोड़ के, सीडीएस इज कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, त्रिची में प्लेसमेंट्स हो जाते हैं, अच्छे प्लेसमेंट्स है, सूरतकल का एक डिपार्टमेंट है सीडीएस कंप्यूटेशनल डेटा साइंस, उसमें प्लेसमेंट्स हो जाते हैं। एनआईटी भोपाल और एक और एनआईटी है उसने भी एआई का कोर्स शुरू किया है, वो भी ऑप्ट कर सकते हो, बट उससे नीचे अगर हम जाते हैं सूरतकल में, एनआईटी सूरतकल में थर्मल के प्लेसमेंट्स 44% और वारंगल में 40% ऐसी प्लेसमेंट्स रहते हैं। आईयूआर बहुत ऊपर जाता है, आईयूआर बहुत ऊपर जाता है, इट्स अराउंड एमई के लिए ये जाता है कुछ 850 से भी ऊपर, 850 860 से ऊपर मेरे हिसाब से, मुझे जितना याद है आईयूआर मैकेनिकल के गेट स्कोर के थ्रू गया था 865, बहुत ऊपर जाता है। एनआईटी नागपुर, एनआईटी नागपुर मैंने बता दिया ना, त्रिची को छोड़ के मैकेनिकल के प्लेसमेंट्स कहीं अच्छे नहीं है, कुछ खास नहीं है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग प्लेस इज लेसर। अब 40% प्लेसमेंट है तो मतलब कुछ तो बच्चे प्लेस हो रहे हैं, बट ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अच्छे नहीं है मतलब प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। सितारा खुद डिपार्टमेंट है भाई, सितारा खुद डिपार्टमेंट है। एक्सी, एक्सी का, एक्सी का ऐसे बाइफरकेशन, कोई बाइफरकेशन आईआईटी बॉम्बे नहीं देता एक्चुअली। पता क्या होता है, सपोज मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैकेनिकल में डिजाइन ब्रांच है, डिजाइन में टोटल सीट्स कितनी है मान लो 15 है, 15 से ज्यादा ही होंगी, 20 मान लो, ठीक है, इसमें से कुछ सीट्स मैकेनिकल वालों के लिए रहती है, कुछ एक्सी वालों के लिए रहती है, कुछ और ब्रांच के लिए रहेगी शायद, आई थिंक शायद पीआई वाले भी एलिजिबल होते हैं इफ एज फार एज आई रिमेंबर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है, अदर्स लिख लो, अदर्स लिख लो। तो मान लो एमई वाले के लिए 10 सीट्स हैं, मान लो 12 सीट्स हैं, एक्सी वालों के लिए 5 है और बाकी बची 3 अदर्स वालों के लिए, तो वो जो वेबसाइट पे कट ऑफ आता है वो इन तीनों में से किसी का भी हो, किसी भी स्टूडेंट का हो सकता है, तो वो बाइफरकेशन नहीं देते कि एमई के लिए इतना कट ऑफ गया है लास्ट सीट का, एक्सी के लिए इतना गया, नहीं देते, ठीक है, लेकिन वो हमें स्टूडेंट से पता लग जाता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम जब शीट्स भरवाते हैं एक्सेल शीट्स, तो मुझे ये पता लग गया कि मैकेनिकल वाले का तो 865 गया था, एक्सी वाला डेटा मुझे याद नहीं है, अगर मेरी शीट में होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा देख के, ठीक है। एक और भी डेटा था मेरे, मेरा एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था, एट उसका स्कोर था 880, 880, ये एक्सी में था, उसको आईटीबी का डिजाइन मिल गया था, दूसरे राउंड में मिल गया था शायद, दूसरे तीसरे राउंड में मिल गया, दूसरे राउंड में मिल गया था आईटीबी का डिजाइन एक्सी के स्कोर पे, जिस उसका 880 स्कोर था, ठीक है, तो ये भी एक डेटा है, वो मैं एक्सेल शीट्स ले आऊंगा, मैंने सोचा है वो भी एक सेशन तुम्हारे लिए प्लान करूंगा, एक्सेल शीट्स दिखाऊंगा तुम्हें हर आईआईटी की, जो भी डेटा आया मेरे पास कि राउंड 5 था, मैं जनरली जो सीओएपी के राउंड्स होते हैं 1 to 5, ठीक है, उसके बाद एडिशनल राउंड्स होते हैं, एडिशनल राउंड्स होते हैं 4, तो लास्ट 2 सालों से मैं सीओएपी राउंड 5 का डेटा कंपाइल कर रहा हूँ, ठीक है, एडिशनल राउंड्स में मैं नहीं जाता क्योंकि डेटा थोड़ा कम रहता है और काफ़ी लेबोरियस सा टास्क हो जाता है, बट अभी अभी इंफॉर्मेशन आई जरूर है कि हाँ राउंड 4, एडिशनल राउंड 4 में आईआईटी दिल्ली का डिज़ाइन मिला है 809 गेट स्कोर पे, 809 एमई का है ये, एमई का 809 गेट स्कोर, मतलब उस स्टूडेंट का रैंक होगा कुछ 450 के आसपास, 450, हाँ 450 के अराउंड, 450 के। संगम सर, एग्जाम्पल की कोई बंदे ने 800 प्लस स्कोर ला लिया और वो थर्ड ईयर 2022 में लाया है, फिर 2023 में किसी ने 850 प्लस ला लिया, तो उसको फिर सीट पक्की है? नहीं, पक्की का तो ऐसा कुछ नहीं कह सकता, बट तुम्हारा वही स्कोर एमटेक के लिए यूज हो जाएगा, थर्ड ईयर में अगर जो तुम स्कोर ला रहे हो वही स्कोर वैलिड रहता है 3 साल के लिए, एमटेक के लिए वही स्कोर यूज हो जाएगा। आईआईटीज में जो एडमिशन होता है दैट्स नॉट बेस्ड अपॉन रैंक, दैट्स बेस्ड अपॉन स्कोर, समझ आया? तुम्हारा स्कोर चाहे थर्ड ईयर में तुम 800 लाए हो या कोई अगले साल 820 लाया, तुम्हारा 800 ही है, 800 ही रहेगा, और अगले वाले का अगर 820 आया तो उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, अगर बाई चांस तुम्हारा 850 है, ठीक है, थर्ड ईयर में, और दूसरे स्टूडेंट का स्कोर 820 है, तुमसे कम है, तो तुम्हें ही प्रायोरिटी मिलेगी चाहे तुमने 1 साल पहले गेट दे रखा हो, यू गेट इट, समझ आया? बेस्ड ऑन स्कोर नॉट रैंक। और एक और डिपार्टमेंट में तुम अप्लाई कर सकते हो विच इज यूएसई, सेंटर ऑफ अर्बन साइंस एंड इंजीनियरिंग समथिंग, ऐसा कुछ डिपार्टमेंट है, ये भी उस टाइम मुझे फुल फॉर्म याद थी जब मैंने करियर काउंसलिंग सेशंस लिए थे,
अब दिमाग से निकल गया, दिस इज अर्बन अर्बन सॉरी अर्बन सिस्टम्स इंजीनियरिंग है शायद, अर्बन सिस्टम्स इंजीनियरिंग कुछ ऐसा। ये भी 2019 में स्टार्ट हुई है, इसका प्लेसमेंट स्टार्ट है नहीं अभी। ठीक है, करेक्ट। नंबर्स के अकॉर्डिंग बता दीजिए 850 प्लस गेट स्कोर कितने मार्क्स के इक्वल होगा एप्रोक्स इन मैकेनिकल। ओके ठीक है, देखो 850 ना, 850 प्लस, एक मिनट लेट मी एनालाइज। हाँ वैसे मैंने वो भी शीट भरवाई है, मैं ला तो सकता हूँ तुम्हारे लिए वो भी शीट, उसमें मैंने लिखा था कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक आया तुम्हारा, वो एग्जैक्ट डेटा भी ला सकता हूँ मैं। बट मेरे हिसाब से अगर किसी का साढ़े अगर 400 रैंक है, एक बच्चे का 400 रैंक था, उसका 820 गेट स्कोर था, ठीक है, उसके मार्क्स कितने थे आई डोंट रिमेम्बर, मेरे हिसाब से 76 77 होने चाहिए, 82 के आसपास, अगर 82 83 मार्क्स अगर तुम्हारे हैं तो आई गेस तुम्हारा 850 से ऊपर गेट स्कोर चला जाएगा, 850 प्लस चला जाएगा। ठीक है, बट अगेन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट ईयर्स पेपर, पता है उस साल के पेपर में बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो जब मैंने मैंने गेट दिया था, यू नो मेरे मार्क्स कितने थे, मेरे 80 मार्क्स थे, 80 मार्क्स थे, और मैंने 6 मार्क्स की सिली मिस्टेक की थी, और 87 मार्क्स पे 87 रैंक था, ठीक है, और 80 मार्क्स पे मेरा रैंक 500 था, मेरा गेट स्कोर था 820, 820। तो समझ रहे हो उस साल का पेपर, मतलब उस साल बच्चे भी थे, 1 पॉइंट मेरे मैंने जब पेपर दिया था तब 1.94 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था, इस साल तो 1.2 नहीं दिया, मैंने जब दिया था 2 लाख, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, इतना टफ कॉम्पिटिशन होता था। मैं 80 मार्क्स लाया था, 6 मार्क्स की गलती करके आया था एकदम घटिया, और 87 मार्क्स पे 87 रैंक होता था उस टाइम, तो मेरा 820 गेट स्कोर था जिसके थ्रू मैं निटी में गया। 820 गेट स्कोर बहुत मतलब आसानी से जो जो चाहोगे मिल जाएगा यार। हाँ IUR नहीं मिलेगा, IUR नहीं मिलेगा, और कुछ बहुत ही ऊपर की ब्रांचेस नहीं मिलेगी, IITB का डिज़ाइन नहीं मिलेगा, बट बाकी सब अच्छा मिल जाएगा। और 850 प्लस गेट स्कोर ला रहे हो, बहुत बढ़िया, और 820 पे तुम्हें डेटा साइंस भी मिल जाएगा IIT रुड़की का, डेटा साइंस IIT रुड़की। अगर बाई चांस ये डेटा साइंस IIT रुड़की इस साल इन्होंने स्टार्ट किया है, अगर मैंने जब अप्लाई किया था 2020 में निटी में, अगर IIT रुड़की ने उस टाइम डेटा साइंस स्टार्ट किया होता तो शायद मैं IIT रुड़की भी अप्लाई करता डेटा साइंस में और मुझे मिल जाता, क्योंकि 813 पे डेटा साइंस गया IIT रुड़की का। तो इफ योर स्कोर इज अराउंड 820 ना, तो यू विल गेट डेफिनेटली, यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग गुड, और 850 प्लस है तो तुम तो मतलब राजे हो, ठीक है, मिल जाएगा, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा फिर, डोंट वरी। बट ट्राई करो कि टारगेट रखो तुम्हारा 75 से 80 मार्क्स आना चाहिए, 75 से 80 मार्क्स, ठीक है, अगर 80 मार्क्स ला रहे हो सब सही है, हो जाएगा सब, 75 से 80 ला रहे हो तब भी चांसेस है कि काफी कुछ अच्छा मिलेगा, ओके, बट 80 ला रहे हो तो इट्स इट्स फाइन। चलो आगे कहाँ थे, हाँ मैं ये बता रहा था, ठीक है, आइडिया लग गया ना हरीश, मैं ये शीट ले आऊंगा, मैंने शीट भरवाई है अभी बच्चों से ना कि कितने मार्क्स पे कितना स्कोर है तुम्हारा। इस बार क्या है कि इस बार शायद 76 77 मार्क्स पे 400 रैंक है, 400 रैंक है, मेरे टाइम पे तो 80 मार्क्स पे मेरा आया था 500 रैंक, लेकिन गेट स्कोर मेरा 820 था। इस बार 76 77 मार्क्स पे गेट स्कोर कुछ 818 या 820 आया, कुछ ऐसा कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है चलो, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स देखो, इतने सारे डिपार्टमेंट्स में तुम एक्सी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो यार, और एक्सी में तुम्हें क्या करना है, क्या प्रिपेयर करना है, मैथ्स एप्टी, ठीक है, प्लस FM सोम और थर्मो, इन तीनों में से कोई दो, एनी टू एनी टू, और मैथ थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, डेप्थ में, हालांकि ये सब्जेक्ट्स भी थोड़े डेप्थ में पढ़ने हैं, बट दो सब्जेक्ट्स यार, FM थर्मो सोम, तीनों में से कोई दो सेलेक्ट करने हैं, डेप्थ में पढ़ो, एप्टी अच्छे से करो, और मैथ्स बढ़िया से फोड़ दो, एक्स ही निकल जाएगा। अगर किसी को एमटेक करना है एक्सी के थ्रू, PSU में नहीं जा सकते, अगर एमटेक करना है कितने अच्छे ऑप्शन खुल जाते हैं, IIT बॉम्बे मद्रास, और मैं बताता हूँ कौन से IIT ज़्यादा अच्छे ऑप्शन देते हैं एक्सी के थ्रू, ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है, जस्ट अ मिनट,
आईआईटी खड़गपुर भी अच्छे ऑप्शन देता है, मद्रास भी देता है, कानपुर भी देता है, आईआईएससी बैंगलोर अच्छे ऑप्शन देता है एक्ससी के थ्रू, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी में डेटा साइंस में भी तुम अप्लाई कर सकते हो एक्ससी के थ्रू, केजीपी में भी है कुछ ऑप्शंस, तो टॉप 7 आईआईटीज में तो ऑप्शन है ही एक्ससी में। बट ये ट्राई करना कि जब एक्ससी का पेपर दे रहे हो तो एक्ससी में स्टूडेंट्स भी कम देते हैं थोड़े, ठीक है। इस बार 22,000 बच्चों ने दिया था, 22,000, और गेट स्कोर तुम्हारा जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मेरे टाइम पे क्या था, मेरे टाइम पे 1.94 लाख स्टूडेंट ने दिया था, ठीक है, तो कॉम्पिटिशन ज़्यादा था। तो इसलिए क्या था कि मेरा मतलब गेट स्कोर क्या करता है कि जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, अब जैसे 22,000 स्टूडेंट्स है, इसमें से अगर तुम 40 रैंक ला रहे हो तो तुम्हारा गेट स्कोर आएगा 840 के, ठीक है, इस बार जो आया। लेकिन अगर वही तुम ऑल इंडिया रैंक 40 मैकेनिकल में ला रहे हो जिसमें 1.2 लाख स्टूडेंट्स देते हैं तो तुम्हारा गेट स्कोर ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन भी तो ज़्यादा है यार, ठीक है, तुम्हारा गेट स्कोर होगा कुछ 900+, तो ये भी ध्यान में रखना। हाँ यही होता है और क्या है, दो ही तो कर सकते हैं सर, 75 से नीचे एक्ससी में चांस नहीं। नहीं ऐसा थोड़ी है, मैंने कब बोला 75 से नीचे एक्ससी में चांस नहीं है, 75 पे तो मैं तुम्हें डेटा बता रहा हूँ कि इस बार 75 मार्क्स में एक्ससी पे कितना था, अभी कितना बताया मैंने, 40 रैंक, ऑल इंडिया रैंक 40 था और उसका गेट स्कोर था 840। 840 इज अ वेरी गुड गेट स्कोर, ही गॉट एमटेक आईआईटी मद्रास थर्मल पहले ही राउंड में, इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ, बिकॉज उसका टारगेट ही वही था। ओके सो 840 इज अ वेरी गुड गेट स्कोर, मैंने तुम्हें क्या बोला, 800 के ऊपर इज अ वेरी गुड गेट स्कोर, 780+ भी अच्छा है एमटेक करने के लिए, ठीक है, कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 70 के ऊपर ले आओ तो काफी सेफ साइड हो, तो काफी सेफ साइड हो, है ना। 75 से नीचे एक्ससी में चांस नहीं, आईएससी आईआईटी भी विच इज बेस्ट, डिपेंड्स यार, रिसर्च के लिए आईएससी इज द बेस्ट, प्लेसमेंट्स के लिए आईआईटी बॉम्बे थोड़ा प्रेफर किया जा सकता है, लाइफ कैंपस लाइफ डायनामिक लाइफ आईआईटी बॉम्बे, नो वन इज इवन क्लोजर टू आईआईटी भी इन दैट। 75 से नहीं, ये नहीं, फॉर मैकेनिकल, फॉर मैकेनिकल मैंने बता दिया, मैकेनिकल के लिए मेरे पास डेटा है, मेरे पास एक एक्सेल शीट है, मैंने अभी अभी रिसेंटली भरवाई है, तुम्हारे लिए भरवाई थी कि मैं एक सेशन लूँ जिसमें तुम्हें बता दूँ कितने मार्क्स पे कितना स्कोर है इस बार और कितना रैंक है एक शीट, मैं ले आऊंगा वो भी, डोंट वरी। ओके आईआईटी बी में तो देखो एक्ससी के थ्रू कितने सारे ऑप्शन है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या रखना है वो अभी तुम्हारे काम का है नहीं, पहले गेट स्कोर ले आओ, ठीक है ना, बट मैं ये बता रहा हूँ कि कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट फिर भी हम आई यू आर और डिज़ाइन को ऊपर रखते हैं, देन थर्मल मैन्युफैक्चरिंग भर सकते हैं और फिर बाकी के डिपार्टमेंट्स है वो मैं तब बताऊंगा जब तुम्हारा गेट हो जाएगा, स्कोर आ जाएगा, तब करियर काउंसलिंग सेशंस लूंगा। शुभदीप, एम डिज़ाइन का एक डिटेल्ड वीडियो प्लीज, डन हो जाएगा, ठीक है, एम डिज़ाइन का भी वीडियो बना देंगे। ओके अच्छा अब चलते हैं हम आईआईटी मद्रास पे, आई होप मैंने सारी आंसर्स क्वेरी आंसर कर दी है। FM सोम थर्मो, हाँ यार ये ऐसा होता है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ, 35 मार्क्स का एक सब्जेक्ट आता है टेक्निकल, 35 मार्क्स का दूसरा सब्जेक्ट आता है टेक्निकल, ठीक है, और हमारा एप्टी आता है 15 मार्क्स का और बाकी 15 मार्क्स का आता है मैथ्स। ये कितना हो गया, 35 35, 70 85 100, पूरे 100 हो गए, ठीक है। 22 क्वेश्चंस आते हैं इसमें FM में, FM सोम या थर्मो, जो भी तीनों में से दो सेलेक्ट करने होते हैं, तीनों तुम्हारे लिए तीनों खुले होते हैं वहाँ पे, जो तुम्हें उस टाइम थोड़ा इजी लगे, तीनों में से कोई दो टेक्निकल सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके 22 आएंगे एक टेक्निकल सब्जेक्ट के, 22 आएंगे दूसरे के, ये हो गए 44, फिर 11 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, ठीक है 55, और बाकी 10 क्वेश्चन एफटी के, ये आती है बाइफरकेशन, सही है ना। ओके PSU कितने मार्क्स तक मिल जाता है, PSU देखो पहले जो पहले काफ़ी सीट्स आती थी, ठीक है, पहले तो 700 800 रैंक तक मिलता था, 900 रैंक तक मिलता था, बट अब तो सीट्स थोड़ी कम आ रही हैं, तो डिपेंड करता है गेट के, वैसे अलग से पेपर ले रही हैं वो, तो डिपेंड करता है उस साल कितनी सीट्स आए, बट IOCL आ गई है इस साल और सेल ने 2019 का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, तो होपफुल है कि वापस थोड़ी सी सीट्स उठेंगी, गेल आ गई है वापस से, कोरोना के कारण तो थोड़ा डाउन चला गया था, बट मेरे टाइम पे तो मतलब 700 800 रैंक तक आराम से PSU मिलता था, आराम से NLC मिला है कितना, कोई दिक्कत नहीं,
मैंने आपसे थर्मो पढ़ा था। अरे अच्छा, जलगार में, जलगार बैच में थर्मो पढ़ा था, सही है। चलो हम लोग कहाँ थे, अब हम स्टार्ट करते हैं आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास में बी एक्सी वाले, एक्सी प्लस अपना बीटेक इन मैकेनिकल, ये ब्रोशर पढ़ पढ़ के निकाला है सारा, ठीक है, तो काफ़ी सारा डेटा है। आईआईटी मद्रास में कैसे किस किस ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, किस 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 स्पेशलाइजेशन, ठीक है, एरोस्पेस। अच्छा देखो, एक्सी वाले आईआईटी मद्रास में एरोस्पेस में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सी वाले आईआईटी बॉम्बे में एक्सी वाले नहीं अप्लाई कर सकते एरोस्पेस में, ठीक है, ये एक थोड़ा डिफरेंस है। तो एरोस्पेस आ गया, अच्छा ऑप्शन आ गया यहाँ पे मद्रास में, एरोस्पेस इज अ नाइस ऑप्शन। देन अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट, ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है अप्लाइड मैकेनिक्स। सर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ले लीजिए ना, एप्लीकेशन ऑफ थर्मो, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडाइनिक्स में पढ़ाता नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडाइनिक्स आई डोंट टीच एप्लीकेशन। अप्लाइड मैकेनिक्स दो स्पेशलाइजेशन है इसमें, AM1 AM2, दोनों में एलिजिबल हो तुम एक्सी वाले, जो भी एक्सी में देंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर मैकेनिकल में पेपर देना तो एक्सी में जरूर देना, इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर एमटेक। थोड़े डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे दो सब्जेक्ट्स, पढ़ लो, मैथ्स थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, बट अगर बाई चांस मैकेनिकल का पेपर ऊपर नीचे हो गया, कुछ खराब हुआ, या मान लो कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, क्या पता एक्सी का पेपर बचा जाए तुम्हें। इस बार तो ऑप्शन भी है ना, पिछले बार भी ऑप्शन था कि दो गेट पेपर दे सकते हो, इस बार भी यही ऑप्शन रहेगा, करेक्ट। इस बार आईआईटी खड़गपुर पेपर कंडक्ट करा रहा ना, लास्ट टाइम तो आईआईटी बॉम्बे ने करा था। अच्छा अप्लाइड मैकेनिक्स में, अप्लाइड मैकेनिक्स बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये एमलगमेशन रहता है इसमें, कोर्सेज जो रहते हैं वो डिजाइन प्लस थर्मल के कोर्सेज मिलके रहते हैं, एमलगमेशन सा रहता है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। एरोस्पेस भी अच्छा डिपार्टमेंट है। देन क्लिनिकल इंजीनियरिंग, क्लिनिकल इसको हम थोड़ा नीचे भरते हैं, क्लिनिकल इंजीनियरिंग। फोर्थ सिविल इंजीनियरिंग की दो स्पेशलाइजेशन है, CE2 CE4 लिख रहा हूँ, एक तो इसमें से ओशन इंजीनियरिंग होगी और दूसरी है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, ये भी हम थोड़ा नीचे भरते हैं। पांचवा हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्पेशलाइजेशन, तो आईआईटी मद्रास में भी तुम मैकेनिकल में जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ME 1 2 3 तीनों, डिजाइन थर्मल मैन्युफैक्चरिंग, तीनों तीनों में एलिजिबल हो। सिक्स ओशन इंजीनियरिंग, एक वहाँ पे ओशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ओशन इंजीनियरिंग 1 OE2, OE1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू ओशन इंजीनियरिंग, OE2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू ओशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे भी तुम एलिजिबल। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास आईआईटी मद्रास में, और ये ऑप्शन एरोस्पेस, अप्लाइड मैकेनिक्स और एमई के तीनों स्पेशलाइजेशंस, ये तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। AM1 रहता है अप्लाइड मैकेनिक्स, AM2 रहता है शायद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये दो स्पेशलाइजेशंस अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं, ये तीनों अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं, ये दो अलग स्पेशलाइजेशंस हैं, दैट्स फाइन। अभी तक सबसे हार्ड पेपर किसने निकाला है, 2008 में निकाला था आईएससी ने, आईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना 2008 के, 2008 तक क्या होता था कि जो भी आईएससी, आई मीन आईएससी या जो भी आईआईटी पेपर कंडक्ट करवा रहा है, ऑर्गेनाइज करवा रहा है, वही पेपर भी डिजाइन कर रहा है, ठीक है, लेकिन 2008 के बाद से ये रूल चेंज हो गया था, 2008 में बहुत टफ पेपर आया था आईएससी का, उसके बाद से ये रूल बना था कि जो भी आईआईटी या आईएससी जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है, ऑर्गेनाइज करवाएगा, लेकिन पेपर जो बनाएंगे उसमें सारे आईआईटीज के या आईएससी के प्रोफेसर बैठेंगे, ठीक है, उसके बाद से ये रूल बन गया था। तो अगर अभी अगले साल आईआईटी खड़गपुर पेपर कंडक्ट करवा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आईआईटी खड़गपुर पेपर सेट करेगा, नहीं, आईआईटी खड़गपुर ऑर्गेनाइज करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है, सारा मैनेज कर रहा है, ओके। तो ये देखो, इतने सारे कोर्सेज, आई मीन स्पेशलाइजेशन तुम्हें आईआईटी मद्रास में भी मिलते हैं थ्रू एक्सी। तो एक्सी यार, एक्सी इज अ वेरी गुड ऑप्शन यार, और थर्मो FM सोम तीनों में से कोई दो प्रिपेयर करना है डेप्थ में, प्लस मैथ्स डेप्थ में प्रिपेयर करना है, इसमें मैथ्स अच्छा आता है। और एप्टी तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता रहता हूँ, भाई एप्टी कर लो, 15 नंबर का एप्टी आता है, 10 नंबर 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन मुफ्त के आते हैं एकदम एकदम, मतलब ईजी, प्रैक्टिस कर लो थोड़ी। मेरा, मैं हमेशा अपने आप को, जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया था तो मुझे ये पता लगा था कि मेरा मैथ्स प्लस एप्टी, मुझे इसमें मार्क्स खींचने हैं किसी तरह, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और ये कितने मार्क्स, 30 मार्क्स का आता है यार, 100 में से 30 तो यही आ गया,
बचा 70। अब इसमें टारगेट करो 30 में से 28 लाने हैं तुम्हें, ठीक है। अगर इसमें 28 आ गए तुम्हारे और तुम्हारा टारगेट मान लो 75 से ऊपर है, 75 से ऊपर मार्क्स लाने हैं, तो तुम्हें टेक्निकल में 75, 70 में से 45 लाने पड़ेंगे सिर्फ, और तुम्हारे 75 नंबर आ जाएंगे। ये 70 में से 45 नंबर आना मुश्किल है टेक्निकल में। 47, 45 और 28, 30, 40, 47, 47 लाने पड़ेंगे। 70 में से 47 मार्क्स लाना मुश्किल है क्या टेक्निकल में? अगर तुम 30 में से 28 मार्क्स ले आओ, चलो 28 नहीं 27 ले आओ यार, चलो 25 ही ले आओ, तो 25 इसमें ले आओ, और 70 में से क्या 50 मार्क्स नहीं ला सकते टेक्निकल में? क्या मुश्किल है अगर तुम 75 मार्क्स टारगेट कर रहे हो। तो स्मार्टली थोड़ा सा प्रिपेयर करना होता है, बच्चे स्मार्टली प्रिपेयर करते नहीं है। एप्टीट्यूड बाद में देख लेंगे, एप्टीट्यूड बाद में देखते देखते 2 नंबर आते हैं स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड, 2 3। सीरियसली यू आर इंजीनियर्स एंड यू आर गेटिंग 2 3 मार्क्स इन एप्टीट्यूड। तो एप्टी पे थोड़ा फोकस डाला करो यार, ठीक है। कितना ऐसा ऐसा स्मार्टली प्रिपेयर करो ना कि मैं मैथ्स और एप्टी में मिला के 30 में से 25 लाऊंगा किसी भी तरह, इतना मेरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। बाकी अगर मैं 75 टारगेट कर रहा हूँ तो टेक्निकल में मुझे 70 में से 50 लाने हैं। इट्स नॉट अ टफ टास्क, इट्स नॉट डिफिकल्ट। 70 में से 50 लाना टेक्निकल में क्या डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं मानता। कितना स्कोर लाना पड़ेगा? अच्छा कहाँ पे थे हम? सर प्लेसमेंट्स कैसा है इन ब्रांचेज में? देखो इनमें तो, इनमें बहुत अच्छा है, ये तो बहुत ऊपर जाता है। यू आर बहुत अमेजिंग, बढ़िया ब्रांच। एमई के प्लेसमेंट्स ठीक है, ठीक है। मेटलर्जी का प्लेसमेंट कोर में थोड़ा सा ठीक ठाक है, नॉन कोर में हो जाता है। इसमें भी कोर में ठीक ठाक है, नॉन कोर में हो जाता है। ये प्लेसमेंट परसेंटेज लिखा है मैंने, लेकिन ये ध्यान रखना है टोटल कोर में नहीं है, नॉन कोर में भी है। और जनरली नॉन कोर का पैकेज थोड़ा कोर से ऊपर जाता है, ठीक है, ऐसा है। एरोस्पेस में कितना जाता है इंडिया पैकेज? हाँ कितना स्कोर लाना पड़ा, ये हो गया। अच्छा कितना स्कोर लाना पड़ेगा एक्सी में टू गेट कोर ब्रांच इन मैकेनिकल? टारगेट रखो अपना कि तुम्हारा गेट स्कोर 820 के ऊपर, 800 के ऊपर हो, ठीक है। 800, 820 के ऊपर, 800, 820 के ऊपर रहे, ओके। एरोस्पेस में कितना जाता है इंडिया? डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट, क्या करते हो उन 2 सालों में एमटेक में, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनप्लेस भी बाहर आते हैं, कुछ किया ही नहीं, प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं किया और सीजीपीए मेंटेन नहीं है, तो बिना प्लेस होके बाहर आ जाओगे। इट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अपॉर्चुनिटीज दे देता है आईआईटी, ठीक है। तुम कैसे उस अपॉर्चुनिटीज को यूज में लाते हो डिपेंड्स ऑन यू। बट जनरली मैं बता रहा हूँ कोर का पैकेज इट रेंजेस फ्रॉम 8 to 10, 8 10 12, 8 10 12 चला जाता है, ठीक है। कुछ कुछ कंपनी जो आती है इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी होते हैं, जैसे मेरे डिपार्टमेंट के लिए सोनी जापान आई थी, ठीक है। एक कंपनी आती है अप्लाइड मटेरियल्स, बहुत अच्छी कंपनी है, केएलए टेनकोर आती है, बहुत बढ़िया कंपनी। मैकेनिकल के लिए तो मर्सिडीज बेंज, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, बजाज, जैगुआर, बोइंग, एयरबस, मैकेनिकल के तो बढ़िया अच्छी कंपनीज आती हैं। बट स्टिल कुछ ना कुछ कभी कभी स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड रह जाते हैं, ठीक है। तो कोर के साथ साथ तुम्हें कभी ना कभी नॉन कोर की तैयारी करनी ही पड़ती है, क्योंकि कोर में इंडिया में थोड़ी स्टेग्नेशन आ रही है। नॉन कोर ये तो हद बूमिंग है, इसके बारे में भी मैं अलग से सेशन सेशन ले सकता हूँ। एक्सी का मैथ्स कैसे करें? क्वेश्चंस के लेवल बहुत टफ है। प्रैक्टिस यार, प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट सुधारो अच्छे से, कॉन्सेप्ट सुधारो और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट सुधारो पहले, तो कॉन्सेप्ट आधे तो गायब होते हैं, कॉन्सेप्ट सुधरेंगे और उसके बाद ढेर सारी प्रैक्टिस करो, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अपने टाइम पे जब मैंने गेट का पेपर दिया था, मैंने तुम्हें बताया भी था, एंड तक आते आते मैं 2 फुल टेस्ट देता था एक दिन में, 2। पहला दिया उसको रिवाइज किया, दूसरा दिया उसको भी रिवाइज किया। तो अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करो, तभी आते हैं। 80 मार्क्स, 80 मार्क्स लाना आसान तो नहीं है, ये तो नहीं बोलूंगा मैं कि आसान है 80 मार्क्स लाना। और वो भी उसके बाद मेरी गलती हुई थी 6 मार्क्स की, नहीं तो मेरा और सही आता वो। मतलब मैं आज तक, मतलब मुझको वो ना चीज गलती है, वो क्या होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो, वर्चुअल कैलकुलेटर है ना, उस वो वर्चुअल कैलकुलेटर चलाना सीख लेना, उसके कारण मेरा पंगा पड़ा था। वो थोड़ा पेन मारता है वो माउस इधर उधर क्लिक करने में, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करना वर्चुअल कैलकुलेटर। मैथ्स के क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है? अच्छा रहता है, एक्सी में थोड़ा टफ रहता है मैकेनिकल से। मैकेनिकल में इट्स ईजी यार, मैकेनिकल में आई डोंट थिंक सो मैथ्स इतना टफ आता है। एक्सी के एक्स्ट्रा टॉपिक्स एफएम और थर्मो के कहाँ से करें? जो भी हम पढ़ा रहे हैं इट्स फॉर ऑल दी एग्जामिनेशन यार, ठीक है। जो मैं थर्मो पढ़ा रहा, मतलब एचटी तो चलो आता नहीं है, जो भी मैंने थर्मो पहले पढ़ाया है या जो पढ़ाऊंगा, इट्स फॉर ऑल दी एग्जामिनेशन, डोंट वरी।
और प्लस पे भी हम जो लेते हैं, प्लस पे जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कवर्स एक्सी एमई, तो सारा हम डिटेल में पढ़ाएंगे। इट्स फॉर बोथ गेट एंड ईएससी आल्सो, ये गेट एंड ईएससी के लिए भी रहता है एंड इट्स फॉर एमई एंड एक्सी बोथ, एक सब्जेक्ट को जो भी पढ़ाया जाता है प्लस पे। ऑब्वियसली इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर विद मी अंडर माई गाइडेंस तो ये लगाओ, प्लस पे आ जाओ एंड विल मेक श्योर कि इस बार तुम्हारा गेट निकले। ठीक है, ऐसा थोड़ा स्ट्रेटजी अच्छे से फॉलो करेंगे। अभी लूप से बाहर आओ यार, कब तक ये गेट भी देते रहोगे, 2 साल 3 साल, ऐसा थोड़ी, एक बार दो खत्म करो, निकालो और आगे जाओ। ओके, एक्सिस एन ई टी मुंबई मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, एक्सिस एन ई टी मुंबई मिलेगा, और उसमें कोई बाइफर्केशन भी नहीं रहता कि एक्सी के लिए इतनी सीट्स, इलेक्ट्रिकल के लिए इतनी सीट्स, मैकेनिकल के लिए इतनी सीट्स। नो, एक्सी से अच्छा गेट स्कोर है, आ जाएगा। सर नेगेटिव मार्किंग रहती है और हमने क्लिक ही नहीं किया तो क्या होगा, जिसमें हम पूरा श्योर नहीं है? नहीं, अगर तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग क्यों मिलेगी? कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे उस क्वेश्चन के। निटी थ्रू एक्सी फॉर अ मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेशर्स पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, अच्छा गेट स्कोर ले। ठीक है, और पूछो क्वेरी, जो मन में आ रहा है पूछ लो। तो आईआईटी बी और आईआईटी मद्रास में ये सारी स्पेशलाइजेशन, देखो स्पेशलाइजेशन है। देखो आईआईटी बॉम्बे में तो भर भर के है, बॉम्बे तो एकदम मेहरबान है कि तुम एक्सी दो आ जाओ, और मद्रास में भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। अप्लाइड मैकेनिक्स में 2 स्पेशलाइजेशन, ठीक है, ये भी 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, और कोई क्वेरी? आई होप ये सेशन इट वॉज यूजफुल फॉर यू। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, मैं और भी बाकी आईआईटीज का भी डेटा ले आऊंगा और एक्सेल शीट भी ले आऊंगा कि कौन सा आईआईटी का कौन सा डिपार्टमेंट किस गेट स्कोर पे गया है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तुम्हें पता तो लगे एटलीस्ट कि तुम एक्सी दे रहे हो, कि फ़ायदे क्या हैं उसके, ये सब फ़ायदे। एप्टीट्यूड कैसे प्रिपेयर करें, मैंने ये बुक लगाई थी, तुम भी ये फॉलो कर सकते हो, कैट की एक बुक आती है अरुण शर्मा, इसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 होते हैं, 1 2 3। ठीक है, 2 3 पे नहीं जाना है, 2 3 पे नहीं जाना है, सिर्फ लेवल 1 लगा लो। इसमें क्या होगा, पहले थोड़ी सी थ्योरी दे रखी होगी, फिर सॉल्व एग्जांपल्स दे रखे होंगे, थ्योरी फिर सॉल्व एग्जांपल्स और फिर लेवल्स। पहले थ्योरी पढ़ लो, फॉर्मूले लिख लो, थोड़े बहुत याद कर लो जो भी बेसिक्स है फॉर्मूले, देन सॉल्व एग्जांपल्स ट्राई करो, देन लेवल 1 लगा लो, अगर मन करे तो लेवल 2 पे चले जाना। ठीक है, मैंने तो यही बुक लगाई थी, इससे मेरा हो। ओके, और बताओ, इसमें कैटेगरी रहता है आईआईटीज में, जनरल का क्या मैटर है? मतलब हाँ, रहती है ना कैटेगरी, तो रहती है। अगर डिज़ाइन में कुछ 30 सीट्स हैं तो बाइफर्केशन रहेगा, जितना भी रिजर्वेशन रहता है उसके उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन रहेगा, रिजर्वेशन तो रहता ही है, नेटी में भी रहता है। ठीक रहेगा, नेक्स्ट, अगला। और भी ऐसे सेशंस लेता रहूँगा मैं, अगला मे बी लेट्स मूव टू, विल मूव टू सम अदर आईआईटी। ठीक है, आईआईटी कानपुर मास्टर ऑफ डिज़ाइन, इस पे भी एक वीडियो बनाना है, बहुत शानदार डिपार्टमेंट है ये, आज से 1-1.5 साल पहले बचा हुआ था मैकेनिकल वालों से, अब पता लग गया है क्योंकि वीडियोस बन गए हैं, मैंने खुद भी बनाए हैं इस पे, तो इसका कटा भी ऊपर जा रहा है। ईयर एंड सेकेंड ईयर मुझे अभी सिर्फ एक्सी का ही पेपर देना है, तो मुझे अभी सिर्फ एक्सी के ही सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए क्या? अच्छा, यू आर इन सेकेंड ईयर ना, तो वाई आर यू नॉट टारगेटिंग एमई ऑल्सो? तुम्हारे पास, अच्छा यू आर इन सेकेंड ईयर, तो थर्ड ईयर में तुमने गेट देना है। अगर एक्सी का देखो दैट्स योर चॉइस, दैट इज योर चॉइस ना कि तुम्हें एक्सी देना है एमई देना। हाँ, अगर एक्सी के लिए प्रिपेयर करो तो डेफिनेटली तुम्हें एक्सी के सब्जेक्ट्स में एकदम इतनी ग्रिप होनी चाहिए, तीनों सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर लो, FM, SOM और थर्मो, तीनों प्रिपेयर कर लो, फायदा क्या? और मैथ्स और एफटी तो करना ही करना है, मैथ्स एफटी ये तो करना ही करना है। ठीक है, इन तीनों तीनों को प्रिपेयर करो, पता क्यों? क्योंकि जब पेपर में जाओगे तो तीनों होंगे तुम्हारे सामने। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट टफ आ गया है इनमें से, तो बाकी दोनों अटेम्प्ट कर लिए। अगर बाई चांस तुमने प्रिपेयर ही 2 किए, FM और थर्मो प्रिपेयर किए, और गलती से FM बहुत टफ आ गया, SOM आसान आ गया, और SOM तुम्हें आता नहीं है बिल्कुल भी, तो इसमें थोड़ा ना प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तीनों प्रिपेयर करो, डेप्थ में प्रिपेयर करो, तीन ही तो सब्जेक्ट्स।
लेकिन एक और बात, ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे पास टाइम ज़्यादा है तो टाइम वेस्ट करना शुरू कर दो, बिल्कुल ऐसा मत करना। अच्छे से प्रिपेयर करो और एक्सी के थ्रू ट्राई टू गो टू IIT बॉम्बे और मद्रास, ठीक है? बॉम्बे मद्रास सबसे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। IIT KGP में मैकेनिकल में तुम नहीं जा सकते, एक्सी वाले रुड़की में भी नहीं जा सकते। बाकी IIT ISC बैंगलोर में बहुत सारे ऑप्शन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ISC बैंगलोर भी ले आऊँगा, ISC बैंगलोर में भी अच्छे ऑप्शन है एक्सी के थ्रू। IIT कानपुर का मास्टर ऑफ डिज़ाइन मिल जाता है, IIM मिल जाता है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, वो भी बहुत अच्छे ऑप्शन है, ठीक है? तो टॉप 5 टॉप 7 IITs में अच्छे ऑप्शन है एक्सी के, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। संगम, ऊपर वाला कमेंट, ऊपर वाला कमेंट कौन सा? मैंने कर दिया आंसर। अच्छा, जनरल में कितना लाना पड़ेगा गेट एक्सी में? मैंने तुम्हें बोला ना कि 75 पे ऑल इंडिया रैंक 40 था इस बार एक्सी में, 75 मार्क्स पे, और इस पे गेट स्कोर था 840। 840 इज अ वेरी गुड गेट स्कोर, राइट? 75, 70 से ऊपर टारगेट करो एक्सी में, 70 से ऊपर टारगेट करो, यू विल गेट 800 प्लस गेट स्कोर। बट मैं हमेशा चाहता हूँ, हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि 75 ही टारगेट करो, 75 तक टारगेट करो, ताकि 840 गेट स्कोर आए, सीधा तुम्हें पहले दूसरे तीसरे राउंड में मिल जाए जो तुम्हें चाहिए। क्यों लास्ट तक वेट करना? तो ट्राई हमें ये करना है कि हद से ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा, क्या मैं सेइंग, आई एम एक्चुअली टायर्ड सुबह से क्लासेज ले लेके, ये बोल रहा हूँ मैं। ट्राई हमें ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, ठीक है? ऐसा अगर तुम सोच रहे हो ना कि मैं 70 का टारगेट कर रहा हूँ, तो ये टारगेट थोड़ा कम रखा है तुमने, इसको बढ़ाओ ऊपर, क्योंकि हम जितना टारगेट रखते हैं उतना जनरली आता नहीं है। अगर तुम 70 का टारगेट रख रहे हो ना, तो पेपर में 65 ही आएंगे। टारगेट रखो 80 80 के। मुझे मुझे सब करना है अच्छे से, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, मुझे अच्छे से सब कुछ करना है, कुछ भी हो जाए तब जाके 75 आएंगे। मानो, ये मान के चलो मुझे टॉप ही करना है, ऐसे तैयारी कर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बड़ा सोचो। और कोई डाउट? आई होप मजा आया सेशन में, है ना? काफी कुछ पता लगा होगा, ये तुम्हें नहीं पता होगा, कहीं नहीं पता होगा, किसी ने नहीं बताया होगा। तो ऐसी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मैं करवाता, मैं लेके आता रहूंगा। ठीक है, तो 5 more minutes एंड देन वील क्लोज द सेशन। 5 more minutes, हर दिन ही आता है। ओके, वेरी गुड, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। KGP, KGP इज खड़गपुर, IIT KGP खड़गपुर। खड़गपुर का कैंपस, यू नो, इट्स अराउंड 2200 acres, 2200 acres, मतलब खुद में शहर है ये। IIT बॉम्बे का कैंपस इज 550 acres, और IIT बॉम्बे का कैंपस इज सिचुएटेड बिसाइड्स अ लेक, मतलब सामने, मेरे हॉस्टल से सामने लेक दिखता था। इट्स एंड वॉज सो ब्यूटिफुल। मैंने अपना रूम स्पेशली 7th फ्लोर पे लिया था, ब्रीज चलती थी ठंडी ठंडी, सामने लेक, एंड अमेजिंग व्यू था, मतलब बहुत ही सही। 550 acres था IIT बॉम्बे का। मद्रास का इट्स 650 acres। मद्रास के कैंपस में तुम्हें ब्लैक बक देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा कैंपस ऐसे तो BHU है, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, शायद उसका है कैंपस सबसे बड़ा। बट BHU में, BHU के अंदर ही IIT BHU है, ठीक है? अगर सिर्फ मैं IITs का कैंपस देखूं तो खड़गपुर काफी बड़ा है, लेकिन वैसे BHU का कैंपस जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, उसी के अंदर है IIT BHU, करेक्ट? एक्सी के थ्रू जाने से नेटी के इंटरव्यू में बाद में इम्पैक्ट हो सकता है? नहीं, नो इम्पैक्ट, नथिंग। एक बार शॉर्टलिस्ट आ गया, उसके बाद जो भी तुम्हारा गेट स्कोर है उसका वेटेज वो लेंगे, और GDPI का वेटेज लेंगे, इस पर मैंने सेशन लिया है, देन 10th 12th BTEC मार्क्स का वेटेज लेंगे। और अगर तुम्हारा वर्क एक्स है तो वो इंटरव्यू में थोड़ा काम आ जाएगा, रेलेवेंट वर्क एक्स, रेलेवेंट। BHU तो बहुत बड़ा यार। प्राइवेट में LPU, LPU मेरे बगल में है यार, यहाँ पे LPU का कैंपस बड़ा है काफ़ी। मैं जलंधर से हूँ ना, तो LPU जलंधर में ही है, बिल्कुल पास ही है। LPU बड़ा कैंपस है, LPU का भी बड़ा। हाँ हरीश, यस एग्जैक्टली, वो BHU तो इट्स ह्यूज, ह्यूमंगस।
बट आईआईटी खड़गपुर अगर देखा जाए, और आईआईटी से कैंपस काफ़ी ग्रीन रहते हैं, काफ़ी ग्रीन रहते हैं। मतलब आईआईटी बॉम्बे का ड्रोन व्यू का एक वीडियो भी है, मेरा भी वीडियो है जिसमें मैंने वो वीडियो दिखाया था। तो ऊपर से देखोगे पूरा एकदम ग्रीन ग्रीन, लश ग्रीन। इनफैक्ट जैसे ही हम आईआईटी बॉम्बे के कैंपस के गेट से बाहर जाते थे, एकदम से गर्मी फील होती थी। जब अंदर आते थे थोड़ा सा टेम्परेचर ड्रॉप फील होता था, ठंडा सा लगता था। एंड ऊपर से आईआईटी बॉम्बे इज इन मुंबई, एंड मुंबई काफ़ी डायनेमिक सिटी है, काफ़ी डायनेमिक बढ़िया शहर है। नहीं, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है यार, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है। मैं इससे पहले क्रिएटिक्स में था, फिर क्रिएटिक्स को एक्वायर कर लिया अन अकेडमी ने, फिर मैं अन अकेडमी गेट एम ई पी आई एक्सी चैनल है उस पर पढ़ाता था, अन अकेडमी गेट एम ई पी आई एक्सी उस पर पढ़ाता था। फिर मैंने वो छोड़ के निटी ज्वाइन किया, देन आई केम बैक टू अन अकेडमी अगेन, तो अब मैं इस चैनल पे आया। आई टी बी वर्सेज निटी डिपेंड्स। आई टी बी थोड़ा टेक्निकल साइड पे अगर तुम्हें जाना है तो आई टी बी, मैनेजरल साइड पे जाना है तो निटी। ठीक है, और भी, ये तो जस्ट मैंने शॉर्ट आंसर दिया है, बट और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमें जब भी डिसीजन लेना होता है बहुत सारे फैक्टर्स को लिस्ट डाउन करो, प्रोज कॉन्स कंपेयर करो, और सबसे बड़ी चीज़ ये देखो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। वो मेरा कुछ और हो सकता है, तुम्हारा कुछ और हो सकता है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वहाँ जाके ये मिलेगा, ऐसा एटमॉस्फेयर रहेगा, तुम्हें कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, फिर वो उन चॉइसेस में से तुम्हें डिसाइड करना है। 53 मार्क्स में मिल गया आईआईटी बीएचयू। हाँ ठीक है, कौन सी ब्रांच मिली आईआईटी बीएचयू में? कोई लोअर ब्रांच मिल सकती है, उसमें क्या है? आईआईटी बीएचयू में काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन है। बायोटेक ना, हाँ बायोटेक मिला ना, तो बायोटेक मिला आईआईटी बीएचयू में। बायोटेक नीचे जाता है यार, बायोटेक तो बायोटेक नीचे जाता है आईआईटी बीएचयू। हाउ मच मनी यू रीपेड टू निटी आफ्टर क्विटिंग? नहीं, आई डिडंट रीपे एनी, मेरा मेरी फीस जो मैंने दी थी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो गई, बट रीपे तो कुछ नहीं किया मैंने। रीपे क्यों करूँगा मैं, आई ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज जस्ट माई डिसीजन कि मुझे क्विट करके वापस टीचिंग में आना है। रीपे कुछ नहीं करना है, बस ये है कि जो फीस गई वो गई। आईआईटी में कितना फी है? आईआईटी का फीस हर आईआईटी का डिफरेंट है। ठीक है, बहुत सारे आईआईटीज है, मैं याद नहीं रख सकता, कोई भी याद नहीं रख सकता। कुछ नहीं करना है, ब्रोशर खोलो, वेबसाइट पे जाओ, ब्रोशर खोलो, फीस देखो बस। और क्या, स्टाइपेंड मिलेगा तुम्हें। निटी का फीस इट्स अराउंड 12.5 लाख्स फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स इट्स अराउंड 12.5 लाख्स। अब तुम ये बोलोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसको बाकी 20 स्कूल से कंपेयर करना। बाकी 20 स्कूल्स की फीस पता कितनी है? 20 लाख, 18 लाख, 25 लाख, इसकी 12.5 ही है। और प्लेसमेंट्स अच्छे हैं बहुत, निटी का नाम बहुत है कॉरपोरेट में, ग्रोथ अच्छी हो जाती है, सब कुछ इंक्लूडेड, सब कुछ निटी के फीस में सब इंक्लूडेड है। पहले साल की फीस 6.5 लाख, दूसरे साल की 6 लाख, फर्स्ट ईयर की 6.5, दूसरे की 6। प्लेसमेंट भी तो अच्छा है निटी, एग्जैक्टली प्लेसमेंट अच्छे। 6 महीने में निटी ने बहुत कुछ सिखाया, निटी भी बहुत अच्छी प्लेस है। ये तो मुझे पता लगा कि इंडियन एमबीए की मतलब काफ़ी प्रेशर रहता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इतना प्रेशर एमटेक में नहीं था, लेकिन पहले 3-4 महीने में निटी ने पागल कर दिया था, इतना प्रेशर था, लेकिन मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, बट मज़ा बहुत आया। 6 महीने में मैं इतना कुछ सीखा वहाँ से, और वो एक्चुअली मैं अभी भी इनकॉर्पोरेट करता हूँ अपनी लाइफ में ना, तो सीखने को बहुत कुछ मिला है, बढ़िया है। अगर मैनेजरियल फील्ड में जाना है तो निटी टारगेट कर सकते हो। स्कॉलरशिप्स रहती है वहाँ पे, वहाँ जाके तुम्हें पता लगेगा स्कॉलरशिप्स के बारे में। इसका पैकेज कितना है निटी का? निटी का एवरेज पैकेज यार, इस पर मैंने वीडियो बनाया है पता है, और शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। इसका एवरेज पैकेज ब्रोशर में लिखा होता है 20 लाख, बट दैट इज़ फॉर द होल बैच, कैट प्लस गेट दोनों के लिए रहता है। गेट वालों, कैट वालों की प्रोफाइल हमसे ज़्यादा बेटर रहती है, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े बेटर रहते हैं जनरली जनरली। गेट वालों का पैकेज 14 to 17 जाता है, बट दैट डजन मीन कि तुम इससे ज़्यादा क्रैक नहीं कर सकते। बहुत सारे गेट वाले अमेजोन में भी जाते हैं, एंड इट पेज अराउंड 45-50, आई थिंक सो 45-50 लैक्स अमेजोन। और एयरटेल 25 देती है, मीबाग कंसल्टिंग 24 देती है, वोडाफोन इट पेज अराउंड आई मीन मोर देन 20,
तो ऐसा नहीं है कि तुम वो नहीं क्रैक कर सकते, बट 14 to 17 तुम मान सकते हो आप से। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट एंड तुमने क्या 1.5 साल में प्रोफाइल बनाई है, हमारी पहले प्रोफाइल क्या थी। इसमें थोड़ा सा अकैड्स वगैरह की वेटेज रहती है। अजीत सिंह दैट्स नॉट, एक मिनट सर, गेट के थ्रू आई एम जा सकते ना। एफ वो फेलोशिप प्रोग्राम्स रहते हैं, फेलोशिप प्रोग्राम्स, फेलोशिप प्रोग्राम्स एक तरह से डायरेक्ट PhD है, उसमें जा सकते हो IIMs में, ठीक है। MBA में नहीं जा सकते। इफ समवन गॉट पैकेज ऑफ 20 लाख, हाउ मच ग्रोथ कैन बी हैव। अजीत सिंह दैट्स दैट्स नॉट अ जनरल आंसर एंड इट डिपेंड्स फ्रॉम, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है ना। किस कंपनी में हो, क्या वर्क प्रोफाइल है तुम्हारी, उसकी क्या ग्रोथ है, क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट में, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट मेनी फैक्टर्स। सो इट इट्स नॉट आई मीन आई कैन नॉट गिव अ जनरलाइज आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। IIT बॉम्बे आई यू आर योर व्यूज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन गेट थ्रू गेट। आई यू आर IIT बॉम्बे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू कैन गेट थ्रू गेट। आई एम सेइंग वन ऑफ द बेस्ट, ओके। इसके साथ भी और भी काफी अच्छे ऑप्शन है। एम टेक के बाद PSUs में आफ्टर एम टेक जाते हैं, और क्या वो डायरेक्ट हायर करते हैं एम टेक के बाद। हाँ मेरे टाइम पे कोल इंडिया आई थी, कोल इंडिया लिमिटेड आई थी, लेकिन वो फेज 2 में आई थी। IITs में प्लेसमेंट कैसे होते हैं, फेज 1, फेज 1 चलता है December 1 से December 18, December 1 to December 18, ठीक है। फेज 2 चलता है जनवरी से बिल्कुल सेशन एंड तक, मई तक। तो ज़्यादातर बच्चे फेज 1 में प्लेस हो जाते हैं। तो CIL फेज 2 में आई थी, काफ़ी सारे बच्चे फेज 1 में प्लेस हो गए थे। जो फेज 2 में बचे हुए थे बच्चे, उसमें से कुछ CIL में निकले थे। CIL आई थी, एज ऑफ नाउ आई कैन रिमेंबर कोल इंडिया ही आई थी। फेलोशिप प्रोग्राम के बाद प्लेसमेंट भी होता है। हाँ तुम अकैड्स में भी जा सकते हो और इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, अकैड्स में भी जा सकते हो, इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। फेलोशिप IIM से जो फेलोशिप कर रहे हो उसमें इंडस्ट्री में ऑप्शन रहता है, पर अकैड्स में तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। एनी मोर डाउट्स, काफी कुछ पता लगा है ना 1 घंटे के सेशन में। वट पैकेज दे ऑफर सर? हाँ CIL अच्छा अच्छा ऑफर करती है यार। वही पे स्केल रहता है PSU का, जो गेट के थ्रू रहता है ना, वही पे स्केल रहता है। अच्छा ही ऑफर करती है। IITB IUR पैकेज एवरेज इज अराउंड, आई थिंक इट गोज अराउंड 12 to 14। लास्ट ईयर का कोरोना वाला छोड़ दो टाइम, कोरोना में तो सभी का काम खराब हुआ था, निटी का भी दिक्कत आ गई थी, बट हाँ निटी ने करवा दिए थे किस तरह। 12 से 14 मान सकते हो, 12 14 LP एवरेज इतना जाता है, बट इससे ऊपर भी जाता है। ओके 12 से 14 इट्स अ गुड पैकेज। फीस तो तुम्हारी कुछ खास रहती नहीं एमटेक की तो, लेकिन इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट 100% है, ऑलमोस्ट 100%। मैं इसको डिज़ाइन से भी ऊपर प्रेफर करता हूँ, मेरा प्रेफरेंस रहे तो IUR डिज़ाइन से भी ऊपर जाएगा। सर तो BTEC IITB में कितना रहता है? देखो पता क्या है, मैंने एक वीडियो बना रखा है, सर्च कर लेना MTech@IIT Bombay। 2 पार्ट्स हैं उसके, Part 1 Part 2, दोनों में मैंने काफ़ी कुछ बताया है। क्या होता है कि जो BTECs है ना ज़्यादातर नॉन कोर में जाते हैं, नॉन कोर का पैकेज जनरली कोर से ज़्यादा रहता है, और MTECs कोर में जाते हैं, थोड़ा कोर उनको ज़्यादा प्रेफर करती है। कोर का पैकेज एज कम्पेयर टू नॉन कोर थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए एवरेज पैकेज BTECs का थोड़ा ज़्यादा रहता है, MTECs का थोड़ा कम रहता है। बट अगर कोई MTech नॉन कोर में जाना चाह रहा है तो डेफिनेटली वो प्रोफाइल बनानी पड़ेगी उस हिसाब से वहाँ जाके, एंड हो सकता है। और इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी होते हैं, MTECs के भी होते हैं, मेरे डिपार्टमेंट से भी हुआ था, सोनी सोनी जापान में। MTech IIT दिल्ली मिलता है तो इसरो बार कैसे जाए? IIT बॉम्बे और IIT मद्रास में इसरो आती है एरोस्पेस के लिए, मेरे टाइम पे तो आई थी, मेरे टाइम पे तो आती थी एरोस्पेस के लिए। IIT बॉम्बे में और IIT मद्रास में इसरो आई थी रिक्रूट करने MTECs को। दिल्ली का आई एम नॉट श्योर, आई डोंट हैव द डेटा, बट पूछ सकता हूँ मैं, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वहाँ पे उनसे निकल जाएगा डेटा। बार्क कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अब बार्क वहाँ रिक्रूट करने आती है या नहीं वो पता नहीं, बार्क के लिए तो फिर वो एक गेट ही देना पड़ेगा या कुछ और चैनल्स होते हैं। गेट निकालने का सबसे पहले ब्रांच प्रेफरेंस आपसे पूछेंगे। अरे मैं लूंगा सेशंस, करियर काउंसलिंग सेशंस लूंगा, इस बार भी लिए हैं,
इस बार यूट्यूब पे नहीं लिए मैंने, क्योंकि मैं अन अकेडमी अभी ज्वाइन किया, बट टेलीग्राम चैनल पे लिया है और पर्सनल मैसेजेस किए हैं बच्चों ने। ये चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये टेलीग्राम ग्रुप चैनल है मेरा विदेश अन अकेडमी, इसको सर्च करना टेलीग्राम पे, इसको ज्वाइन कर लो। इस पे मिलता, इस पे क्लासेस वगैरह सब कुछ आती रहेगी, ठीक है। ये लिंक है विदेश अन अकेडमी, क्लासेस का लिंक भी इस पे आता रहेगा, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इस पे मिल जाएंगे इसी चैनल पे। लेक्चर नोट्स मैंने डाले हैं उसमें, पहले पेज पे मेरे डिटेल्स हैं। अच्छा ओके, यू हैव वॉच्ड बोथ द वीडियोस ना, उसमें मैंने यही सब बताया था। मैं अनिल, अनिल अनिल विदेश अन अकेडमी सर्च करो टेलीग्राम पे, उस चैनल को ज्वाइन करो, उस पर मेरे लेक्चर नोट्स पड़े होंगे, ST लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, किसी भी एक को खोलो, पहले पेज पे डिटेल्स मिल जाएंगे। यू कैन ड्रॉप मी मैसेज, नो वरीज। नेटी क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड टू कम बैक टू टीचिंग, सिंपल। नितेश, आई वॉन्टेड टू कम बैक टू टीचिंग। हाँ यस यस कंचन, मैं फर्स्ट वीडियो में काफी डिटेल में बताया था, शेयर्ड ऑल दिस थिंग्स। ओके संगम, यू आर वेलकम यार। इफ यू हैव फाउंड दिस सेशन इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेटिव, प्लीज डू लाइक दिस सेशन। और बाकी मैं शॉर्ट वीडियोस बीच बीच में डालता रहूंगा, उसमें बताता रहूंगा कुछ कुछ ब्रांचेस के बारे में। शुभदीप, यू आर वेलकम। और अपना 9:30 PM पे अपना ST तो चल ही रहा है, मंडे टू फ्राइडे ST, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। स्पेशल क्लासेज में न्यूमेरिकल चल रहा है। यू वेलकम, यू वेलकम शुभदीप, या ओके, यू वेलकम गाइस, ठीक है। यू वेलकम, यू वेलकम। तो ठीक है, फिर बंद करते हैं इस सेशन को, कोई और डाउट्स नहीं है ना। मॉर्निंग TD एंड ऑल्सो नाउ, या मॉर्निंग में TD था अपना, रिविजन था थर्मोडाइनमिक्स का, वो भी किसी को अगर देखना है तो वो देख सकते हो सेशन। ओके ठीक है, तो फिर मंडे को मिलेंगे, हीट ट्रांसफर 9:30 PM, और मैं ये और सेशंस लेता आऊँगा तुम्हारे लिए, ठीक है, ताकि तुम्हें पता लगता रहे कि XC के थ्रू क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, ME के थ्रू क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या कट ऑफ जा रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आई होप कि और कोई डाउट नहीं है, ठीक। ओके, यू वेलकम यार, यू वेलकम, यू वेलकम गाइज, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट देन, मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ, आई होप कोई और डाउट नहीं है। ओके गुड नाइट, बाय बाय। वन मोर थिंग, जस्ट बिफोर गोइंग आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, अन अकेडमी कॉम्बैट, हाँ अन अकेडमी कॉम्बैट पर 25th, टुमारो टुमारो 11 AM पे होगा, यूज कोड विरेश 10, और इसको जरूर देना ताकि तुम्हें अपनी प्रिपरेशन का पता लगे। एंड प्लस ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो 100 रैंक तक आओगे तो सब्सक्रिप्शन पे स्कॉलरशिप मिलेगी। 51 to 100 यूल गेट 25% ऑफ, 11 to 50 यूल गेट 50% ऑफ, 4 to 10 यूल गेट 75% ऑफ, और टॉप 3 में आओगे तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा तुम्हें 100%। एंड ऑब्वियसली दिस इज माई कोड विरेश 10, इफ यू वॉन्ट टू कम अंडर माई गाइडेंस, ठीक है। तो विल मेक श्योर कि इस बार अच्छी स्ट्रैटेजी रहे तुम्हारे तुम्हारी और तुम्हारा गेट निकले। बग्स बाउंटी इज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन एनी वीडियो, रिपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म आएगा, और उसको वहाँ पे जो भी रिपोर्ट करना है उसमें भर सकते हैं। कॉम्बैट के बाद सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि लेना ही पड़ेगा। नहीं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस ले सकते हो ना, वही तो मैंने बोला, तुम्हें बताया है कि कॉम्बैट अपनी प्रैक्टिस के लिए भी दो, कि ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम्हारी तैयारी कितनी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो गेट लेवल के रहते हैं। ओके, अपनी प्रैक्टिस के लिए दो, ज़रूरी नहीं है कि प्लस लेना ही लेना है। ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें प्लस लेने का मन है और तुम्हारा टॉप 100 में कुछ रैंक आ गया तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाएगी, अगर तुम्हारा मन है लेने का। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अन अकेडमी, विरेश कुमार मेरी प्रोफाइल, तो मेरी स्पेशल क्लासेज आती रहेंगी, न्यूमेरिकल सॉल्विंग उसी पे हो रही है। ओके गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय, यू वेलकम, बाय बाय।